हेलो ऑल, वेलकम टू टुडे गाइड। इस वीडियो में आज हम और एक नया टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.1 है और उसी का 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है वो थोड़ा समझ लेंगे। प्रीवियस क्लास आपके 6th और 7th स्टैंडर्ड में अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। तो स्क्वायर मींस जो भी नंबर आप जो जिसी के स्क्वायर जो नंबर का दिया रहेगा ना, उसी के नंबर उस सेम नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 1 स्क्वायर दिया गया है 1, 2 स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 स्क्वायर पूछा गया है 2 × 2। ओके, वो हो गया हमारा स्क्वायर। तो आपको जो भी नंबर 20 दिया गया है 20 × 20 सेम टू सेम आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। ठीक है, उसी को हम स्क्वायर बोलेंगे। नेक्स्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो यहाँ पर 121 है। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट हम अगर लेंगे तो उसका आंसर 11 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 11 का स्क्वायर है ना वो 121 है। अगर हम 11 लिखेंगे, ये जो स्क्वायर है ये 121 को स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये सभी को पता है। सेम टू सेम 121 का स्क्वायर रूट हमको क्या करना है, 11 लिखना है। 121 ये स्क्वायर रूट जो जब ये जाएगा ना, मतलब हट जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, आगे जाके आपको और भी ज्यादा इसके बारे में पता चलेगा। और जितने जो जो क्वेश्चन आएंगे उसी क्वेश्चन में हम डिस्कस करते जाएंगे और सॉल्व भी करते जाएंगे। और आपके बुक में 50 या 30 तक दिया गया है स्क्वायर, आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर 1 to 20 तक स्क्वायर लिखी हूँ, आपको ये याद रखने से क्या होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, और टाइम लॉस नहीं होगा, आप इजीली कर सकोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 करने से पहले हमको ये चारों पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट वन है द नंबर्स एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आर यूनिट्स प्लेस आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यूनिट्स प्लेस मतलब किसको बोला जाएगा, देखो अगर मैं एक 2-डिजिट नंबर लूंगी, ठीक है, तो यूनिट ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, तो ये जो नंबर है ना ये हमारा यूनिट्स प्लेस बोला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको लूंगी तो ये हमारा यूनिट्स प्लेस बन जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से मतलब आप जितने भी नंबर ले लो ना, उस जो वंस प्लेस है उसी को यूनिट्स प्लेस मतलब लास्ट जो नंबर है उसी को हमको यूनिट्स प्लेस बोला जाएगा। और वो नंबर कौन से नंबर होंगे, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए। वो कैसे, देखो पहले मैं 25 ले रही हूँ, 25 किसका स्क्वायर है, 5 × 5। ओके, नेक्स्ट आपको 16 लेना है, कोई भी नंबर जो स्क्वायर के अंदर ही आता है। देखो 4 × 4 का स्क्वायर 16 है कि नहीं, तो सेम टू सेम और उसका जो यूनिट प्लेस ये जो 4 × 4 है 16 आया, इसका यूनिट प्लेस कौन सा है, 6 है, इसके यूनिट प्लेस कौन सा है, 5 है। ठीक है, अब इसी साइड लिख लो 5 × 5 मतलब 5 का स्क्वायर, मैं और एक बार लिख देती हूँ, देखो 5 का स्क्वायर 5 × 5 जो कि 25 आया, 2-डिजिट नंबर लिए जो कि 5 उसका यूनिट प्लेस हो गया। देन 4 स्क्वायर 4 × 4 सेम नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है ना स्क्वायर पे, तो 16 आया, वो भी 2-डिजिट नंबर विथ यूनिट प्लेस 6, तो 5 है 6 है। उसी हिसाब से 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए, तभी जाके वो परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट द नंबर्स एंड विथ 2, 3, 7 और 8 आठ यूनिट्स प्लेस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो नंबर ये इतने के बाद जो बच गए 2, 3, 7, 8 ये जो चारों नंबर अगर यूनिट्स प्लेस में आ गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। एग्जांपल लेते हैं जो कि 2, 3, 4, 5, 3 तो इसका यूनिट प्लेस नंबर कौन सा है, ये है। अगर 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, उसी हिसाब
करके आपको चेक करके फटाक से आंसर दे देना है। ओके, नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है कि देखो मैंने तो बता दिया फर्स्ट पॉइंट में द नंबर्स एंड विद जीरो, ठीक है, ये नंबर को छोड़ दो, जीरो को आते हैं। तो अगर जीरो है, ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, हंड्रेड। हंड्रेड हमारा किसका स्क्वायर है, टेन इंटू टेन। तो दो नंबर जो कि इक्वल है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब टेन का स्क्वायर हमारा हंड्रेड मिलता है। तो हंड्रेड में हमारा कितना जीरोज है, टू जीरोज है, जो कि इवन है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ जीरो है। तो वही मैंने लिखा द नंबर विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो जो कि किस पे आएगा, थाउजेंड पे, सॉरी हाँ थाउजेंड पे आएगा, तो वो कौन से दो नंबर होंगे जो इक्वल होंगे और उनको मल्टीप्लाई करने से हमारा थाउजेंड आएगा। थाउजेंड में आप क्या करना है, हंड्रेड इंटू टेन करोगे तो जो उसके बाद जाके थाउजेंड हमारा आएगा। तो यहाँ पर तो टू जीरो है, यहाँ पर वन जीरो है, तो वो तो दो नंबर इक्वल नहीं होंगे, तो वो स्क्वायर कैसे बनेंगे, अगर स्क्वायर स्क्वायर नहीं बनेंगे तो वो कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए अगर ऑड हो गया, यहाँ पर ऑड हो गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोला जाएगा। अगर इवन हुआ, द नंबर विथ इवन नंबर ऑफ जीरो देन द नंबर इज ए परफेक्ट, तो हंड्रेड इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, यहाँ पर थाउजेंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, यही बात को आपको याद रखना है तो जाके आपको आंसर आप खुद से दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं बुक में। फर्स्ट में वो जो बोला गया है आपको कि जो नंबर आपको गिवन है, जितने भी नंबर गिवन है उन्हीं का स्क्वायर का मतलब स्क्वायर करने के बाद उनका यूनिट प्लेस आपको बोलना है, मतलब 81 into 81 हमको करना है, ये दोनों का स्क्वायर। आफ्टर स्क्वायर उनका जो यूनिट प्लेस है, मतलब कितने भी नंबर रहेंगे, ठीक है, उनका यूनिट प्लेस ये बोला जाएगा, ये होगा हमारा यूनिट प्लेस, और यूनिट डिजिट भी बोल सकते हो, तो उसी का ये वही आपको बताना है बस। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर 81 81 हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे, टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा, पर इतने आगे जाके ना आपको बहुत लंबा नंबर दिया गया है, तो आपको कैसे करोगे, आप इतने तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकोगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आप ये जो नंबर जितने भी नंबर दिए जाएंगे ना उनका जो यूनिट प्लेस को आपको बस मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना है, ठीक है, आप उसको ट्रिक भी समझ सकते हो। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर ना 81 है, तो 81 into 81 क्वेश्चन बोला है, 81 into 81 उसके बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस बताना है। तो 81 81 में हमारा यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, तो 1 into 1 आपको लेना है, बस 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि 1 square = 1 हम पहले आपको दिखाए थे, है कि नहीं, तो आंसर आपका 1 ही आएगा, ठीक है, फाइनल आंसर 1 आएगा। तो नेक्स्ट 272 यहाँ पर यूनिट प्लेस आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, यहाँ पर यूनिट प्लेस हमारा 1 है तो 1 आ गया, 2 है, 2 को आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 272 = 2 into 2 नहीं है, आपको ध्यान देना है मैं क्या बोल रही हूँ, यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई हमको बस करना है, 2 into 2 हमारा 4 आ गया, यही हमारा आंसर है, इसलिए मैं राउंड कर रही हूँ आपको अच्छे से समझने के लिए। 799 हमारा यूनिट प्लेस है, ठीक है, बस यूनिट प्लेस को आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसी का स्क्वायर लेना है। तो 9 into 9 क्या करना है, 81, यहाँ पर यूनिट डिजिट में आ गया तो आंसर हम डायरेक्टली 4 लिखे, यहाँ पर 2 डिजिट आया तो क्या करेंगे, 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके 1 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट 3853 तो यूनिट प्लेस हमारा 3 है तो 3 into 3 करना है जो कि 9 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 यूनिट प्लेस में है, 4 into 4 जो कि 16 है, हमने 2 डिजिट पे यूनिट प्लेस को बोला है तो ये हो गया हमारा आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड की हूँ, पहला पार्ट में आपको समझा दी हूँ। नेक्स्ट ये नंबर दिए गए हैं तो यूनिट प्लेस में बोली थी तो यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जितने भी डिजिट आए रिजल्ट आपको ये जो यूनिट प्लेस को ही लेना है, उसी का भी यूनिट प्लेस ही लेना है, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 8 है, 8 into 8 64 है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 4 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट 0 तो 0 into 0 तो 0 ही है ना, तो आपको आंसर 0 ही लिखना है, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर भी यूनिट प्लेस में 0 है, आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, अदरवाइज 0 into 0 = 0 ही है। नेक्स्ट 6 6 into 6 36 अगेन 2 डिजिट पे,
तो ये 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 5, ये 5 यूनिट प्लेस पे है तो 5 × 5 = 25, तो ये 5 हो जाएगा हमारा आंसर फाइनल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स, गिव रीजन। ठीक है, अभी मैं आपको पहले समझाई थी कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, कौन से नंबर नहीं हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या था कि अगर यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर आए यूनिट डिजिट पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो और एक बार हम और एक नंबर हम लिए थे जो कि अगर 0 ऑड नंबर पे आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर 0 इवन नंबर पे आए वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं ये जो नंबर हमको दिए गए हैं क्वेश्चन पे 1057 7 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, आपको तुरंत लिखना है नंबर एंड्स विथ, ये मैं इरेज कर लेती हूं, नंबर एंड्स विथ डिजिट 7, अगर अदरवाइज आप लिखोगे नंबर एंड्स विथ नंबर 7 ऐसे भी लिख सकते हो, या नंबर एंड्स विथ यूनिट डिजिट ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिट डिजिट 7। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पर 3 है, मैं यहाँ पर आपको लाइन लगा देती हूँ, 3 है तो वो भी सेम नंबर एंड्स विथ डिजिट 3। तो यहाँ पर 8 है वो भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, क्यों नहीं होगा हम रीजन दे रहे हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और रीजन देना है नंबर एंड्स विथ यूनिट डिजिट 7, नंबर एंड्स विथ यूनिट डिजिट 3, नंबर एंड्स विथ यूनिट डिजिट 8, नंबर एंड्स विथ 2 यूनिट डिजिट 2, 2 रहेगा भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2, 3, 7, 8, आपको याद रखने में इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर और जीरो के बारे में हम क्या बोले थे कि अगर जीरो इवन नंबर पे आए वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अगर ऑड नंबर पे आए तो वो नहीं होंगे, तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो इसीलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देन दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पे आप लिखोगे नंबर एंड्स विथ यूनिट डिजिट 2। नेक्स्ट 3 0 आ गए, अगेन ऑड नंबर ऑफ जीरो, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, इसी तरह आपको रीजन लिखना है, मैं यहाँ पर आपको बोल के समझा रही हूँ पर आपको लिखना है, एक लाइन लिखना है गिव रीजन वो दिए हैं। ठीक है, और 5 0 5 0 तो ऑड नंबर ऑफ जीरो, सेम टू सेम ऑड नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।